नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर गुना जिले से है, जहां पर अभिभावक काफी परेशान हैं। उन्होंने कई बार कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों की मनमानी के संबंध में ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं चली और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम भी हो गए, और अब रिजल्ट के लिए अभिभावकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। साथ ही स्कूल में आने के पश्चात उनसे दबाव डालकर फीस मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि फीस जमा नहीं की तो नवंबर में आयोजित होने वाले ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों को ना तो आईडी कार्ड दिया जाएगा और ना ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इतनी बात होने के बावजूद प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। पेरेंट एसोसिएशन द्वारा निरंतर गुना में निजी विद्यालयों के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। गुना के कुछ निजी विद्यालयों द्वारा लगातार फीस के लिए डिमांड बढ़ाई जा रही है, और अब हद इस बात पे हो गई है कि क्राइस्ट स्कूल और वंदना स्कूल ने ऑनलाइन एग्जाम लेने के बाद, ऑनलाइन रिजल्ट देने के बाद लिए लोगों को स्कूल बुलाना चालू कर दिया, और स्कूल बुलाकर उनको धमकाया जा रहा है कि या तो आप फीस जमा कीजिए अन्यथा आपके बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा नवंबर में होने वाले। ये कौन बोलता है कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा? टीचर्स बोलते हैं।